यूपी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रिजल्ट जारी होने की कई सारी तारीखें सामने आ रही हैं, कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस बीच यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर के छात्रों के लिए एक बड़ा और जरूरी अपडेट दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दीपिका शुक्ला ने रिजल्ट की तारीखों को लेकर के तस्वीरें साफ कर दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। बोर्ड सचिव दीपिका शुक्ला ने यह भी बताया, यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा 22 अप्रैल दिन शनिवार को करीब दोपहर 3:30 बजे घोषित किया जाएगा और छात्रों को अपने रिजल्ट देखने के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट को सबसे पहले चेक करने के लिए गूगल पर सर्च करना है parikshanews.com। सर्च करते ही आपको पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप सभी को इस तरीके से ओपन हो जाएगी और यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन पर आ जाना है। रिजल्ट वाले सेक्शन पे चेक यूपीएमएससी क्लास 10 और 12 का रिजल्ट दिया गया है, इसी लिंक पर आप सभी को क्लिक कर देना। क्लिक करके आप सभी 10वीं और 12वीं की पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और 10वीं 12वीं के छात्र अपना रिजल्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आप सभी को बताते हैं कि यूपीएमएससी बोर्ड रिजल्ट 22 अप्रैल को रिलीज करेगा। छात्र पूरी तरीके से तैयार हैं, आप सभी का रिजल्ट का जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।